नमस्कार, मैं रमेश शर्मा आज फिर से स्वागत करता हूं आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसा कि हम बार बार अधिकारियों के बीच में उन सभी समस्याओं को लेकर आने का प्रयास करते हैं, जिन समस्याओं को लेकर अधिकारी सुस्त बैठे हुए हैं और नाटक करते हैं ये समझाने का, बताने का कि हम बहुत ही कुशलता से कार्य कर रहे हैं, किंतु मैं अधिकारियों का ध्यान जरा इस तरफ लाना चाहता हूं। जहां पर आज हम खड़े हैं, ये जगह है 12 महीने के पड़ाव से समेला जाने वाले रोड की, जिस रोड को लेकर इससे पहले भी हमने बात की थी। पहले उस खबर को आप देखिए। इस रोड को अगर आप देखेंगे, ये समेला से चलते हुए 12 महीने के पड़ाव तक जाता है। इस लिंक रोड की हालत अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा, रोड जगह जगह से टूट गया है, जबकि ये कहा जा रहा है कि इस रोड को बनाए हुए भी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने सारे रोड के बीच में रोड़ी भरी हुई है, किसी तरह का तारकोल इस रोड को बनाने के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। ऐसा लगता है जैसे रोड़ी को ही उठाकर सीधा रोड के ऊपर डाल दिया गया है। आखिर क्या होगा? इस खबर के बाद में जब इस रोड के ऊपर देखा गया तो ये अनियमितता ही नजर आई कि इस रोड को बनाने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया था, और इस रोड को बनाने के बाद में अभी लगभग 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि इस रोड की मिट्टी जमीन से निकल के आ गई थी और पूरे का पूरा रोड उखड़ गया था। यानी 12 महीने के परोसे समेला तक जाएं 10 किलोमीटर की दूरी में 5 करोड़ पे प्रशासन ने खर्च किया हुआ है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने खर्च किया हुआ है। और यहां पर एक्शन साहब का एक ऑफ द कैमरा बहुत ही एक ऐसा बयान उन्होंने दिया था, इस रोड पर अभी तक पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं मिला है, अर्थात कोई भी हादसा अगर यहां पर हो जाए तो उस व्यक्ति को क्लेम नहीं मिलेगा। ये एक्शन साहब के वर्डिंग थे ऑफ द कैमरा। लेकिन जब उस बात को समझते हुए हमने पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर बात की और उसको समझना चाहा कि इस रोड के टेंडर को लेकर आखिर क्या अनियमितताएं बरती गई हैं, क्या उसके अंदर, जब खबर हमने बीच में रखी तो एक्शन साहब ने यहां पर बड़े ही कॉन्फिडेंस से 31 मई से पहले पहले इस रोड को दोबारा बनाने के लिए बात कही और यह कहा कि इस रोड को 31 मई से पहले दोबारा बनाया जाएगा और इसके साथ साथ में यहां पर एचआरटीसी की बस भी चलाने का पूरा जिम्मेवारी लिया जाएगा। पहले आप उस खबर को देखें जो एक्शन साहब ने बात कही थी। अभी जहां तक इस रोड का प्रश्न है तो ये रोड जो है अंडर कंस्ट्रक्शन चला हुआ है, तो ठेकेदार का काम अभी लगभग इसमें 25-30% बचता है और उसको इमीडिएटली अभी दाय दी जाएगी कि 15 तारीख से पहले पहले उसके जो पैराबिट आप बता रहे हैं उनको लगाया जाए, और जो आप तारीख में डिफेक्ट बता रहे हैं वो उसका कंप्लीट होने के बाद भी 2 साल का डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है। 2 साल तक कोई भी उसमें अगर कहीं कोई कमी त्रुटि आती है तो ठेकेदार अपने ही रिस्क एंड कॉस्ट में जो है उसको पूरा करेगा, और हम कोशिश करेंगे कि 31 मई तक इस रोड को जो है ट्रैफिक के लिए सारे को दोबारा पक्का करके और जो कच्चा पोर्शन है उसको भी पक्का करके ट्रैफिक के लिए बस के लिए पास करवा दीजिए। अब हम आपको ले चलते हैं खबर के अगले पक्ष पे। आज हम खड़े हैं इस रोड पे और लगभग 5 अप्रैल से लेकर आज 10 मई हो चुका है, लगभग 1 महीना 5 दिन निकल चुके हैं, लेकिन एक्शन साहब के द्वारा बोला गया कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस रोड की हालत मैं आपको फिर दिखाता हूं। मैं चाहूंगा कैमरामैन मेरे साथ आए और पहले दिखाएं। इस रोड को अगर आप देखें तो 12 महीने के पड़ाव से लेकर समेले तक ये रोड पूरा इस तरह से उखड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरह की रोड़ी इस रोड पे उतर गई हुई है और पूरा का पूरा रोड जो है वो उखड़ गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने इस कार्य को किया है उसने इस कार्य को करने में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है, अनियमितता बरती है। अब ऐसे में सवाल उठकर ये आता है कि विभाग आखिर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो मैं विभाग के ऊपर उठाना चाहता हूं और हमारी कार्य प्रणाली के ऊपर भी उठाना चाहता हूं कि जिस तरह के नियमों के तहत रोड को बनाने के प्रावधान हैं, जो भी क्वालिटी मेंटेन करनी होती है उसके लिए जो भी एनक्यूएम नेशनल क्वालिटी मैनेजमेंट, स्टेट क्वालिटी मैनेजमेंट या जो भी संस्थाएं काम करती हैं, आखिर अगर वो रोड बनाते समय में उन्होंने इसको चेक किया था तो इसकी रिपोर्ट अगर सही थी तो ये उखड़ा क्यों?
अगर ये उखड़ा तो इसका अर्थ ये है कि जो क्वांटिटी, जो मटेरियल सर्टिफाइड किया गया है, जिस तरह का इंजीनियरिंग चाहिए होता है, इसका अर्थ ये है कि उसके अंदर त्रुटियां पाई गई हैं। या दूसरी तरफ अगर इंजीनियरिंग सिस्टम सही है, स्ट्रक्चर सही है, जो मटेरियल यूज करना चाहिए जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बनती है, अगर वो सही था तो फिर कॉन्ट्रैक्टर कहीं ना कहीं गलत है। उसके विपरीत अगर कॉन्ट्रैक्टर गलत था तो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो इंजीनियर्स हैं, जो एक्शन साहब हैं, उन्होंने इसकी गुणवत्ता को चेक करने के लिए आखिर क्या प्रयास किए, और अगर उन्होंने किए तो ये हालत क्यों हुई? ये बहुत सवाल, बड़ा प्रश्न प्रशासन के सामने खड़ा है और प्रशासन को इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि 5 करोड़ रुपए मिट्टी में बह गए हैं। 5 करोड़ रुपए को मिट्टी में मिलाने का जिम्मेवार अगर कोई है तो वो है पीडब्ल्यूडी और वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने इस रोड को बनाया है। अब इसमें जनता की गलती क्या है? जनता का पैसा इस रोड पे लगाया गया है, इस रोड पे पैसा लगाने का औचित्य क्या हुआ? जब इस रोड पर लगाया गया पूरा पैसा मिट्टी में बह गया, ये रोड पूरा उखड़ गया, उसके बाद भी विभाग ने मीडिया द्वारा खबर उठाने के बाद एक्शन लेने की बात कही और वह भी पूरी नहीं कर पाया, तो क्या इस बात से यह समझा जाए कि कॉन्ट्रैक्टर्स की और विभाग की मिलीभगत है? क्या कॉन्ट्रैक्टर्स को बचाने के लिए विभाग हमेशा तैयारी रखता है? क्या अधिकारी हमेशा ये प्रयास करते हैं कि ठेकेदार को किसी भी तरह से बचा लिया जाए? आखिर इस सवाल का जवाब कौन देगा? मीडिया खबर उठाता है तो विभाग अधिकारी जवाब देने से बचते हैं, कैमरा पे आना नहीं चाहते हैं, आखिर क्यों? क्या मीडिया की खबर उठाना गलत है? क्या अधिकारियों द्वारा लिए गए संज्ञान सही हैं? ये प्रश्न बहुत बड़ा है और जनता के पैसे का नुकसान है। यहां पर मैं अब आपका ध्यान दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं, जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कैमरामैन दिखाएं। मैं अब यहां आपको ले जा रहा हूं इस रोड पे खड़े हुए इस पेड़ की तरफ। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पेड़ को साथ साथ में इसकी खुदाई की गई है, आप देखेंगे ये खुदाई की है और इस पेड़ को ऐसे छोड़ा गया है। आंधी तूफान चल रहे हैं, बारिश का समय है, किसी भी समय कोई भी गाड़ी, स्कूल की गाड़ी यहां से जाती है, जनरल पब्लिक जो यहां के लिए जाती है वो सारी इधर से निकलती है, बहुत सारे वाहन यहां पर निकलते हैं। किसी कारण से आंधी तूफान आए और ये पेड़ अगर गिर के किसी के ऊपर चला जाए और किसी की कोई दुर्घटना में कोई ऐसा हादसा हो जाए तो जिम्मेवारी किसकी? क्या यह कार्य पीडब्ल्यूडी का है या वन विभाग का है? यह स्पष्टीकरण विभाग को देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की लापरवाही, आप देख सकते हैं पूरे पेड़ की जड़ें उखड़ चुकी हैं और यह पेड़ केवल और केवल टिका है थोड़े से मिट्टी के सहारे। अगर यह पेड़ गिर गया तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। एक और पेड़ मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरह से उसकी पूरी जड़ें खाली करके छोड़ा हुआ है और ऐसे में कोई भी हादसा यहां पर हो सकता है। आप देख सकते हैं पेड़ की पूरी जड़ें निकाली हुई हैं और ये पेड़ केवल इस मिट्टी के सहारे खड़ा हुआ है, किसी भी समय कोई भी हादसा हो सकता है। ये विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। हादसे इसी तरह से होते हैं और इसी तरह से छोटी छोटी घटनाएं एक बड़े हादसे का कारण बन जाती हैं। विभाग की आखिर जिम्मेवारी क्या है? इतनी लापरवाही करने का कारण क्या है? ये विभाग को जरूर स्पष्टीकरण देना चाहिए। प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि विभाग को इस बात के लिए सचेत करे कि जो भी कार्य कराए जाने हैं उनके ऊपर जो भी अनियमितताएं बरती गई हैं उनको समय पे ठीक कराने की बात करे, समय पे ठीक कराए, क्योंकि केवल कैमरा पे इतनी बात कह देना कि हम उसको ठीक करा देंगे और फिर गहरी नींद सो जाना सफिशिएंट नहीं है। ये जनता के साथ में, लोगों के साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ है, लोगों की भावनाओं के साथ में, जन सुविधाओं के साथ में कहीं ना कहीं धोखा है। बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि विभाग ने 31 मई तक इस रोड को दोबारा बनाने का कमिटमेंट किया है, वो कमिटमेंट आखिर पूरा क्यों नहीं हो रहा है? और अगर इस रोड को बनाने के लिए जिस कॉन्ट्रैक्टर ने अनियमितताएं बरती हैं और उसके बावजूद उसके बिल पास हुए हैं तो विभाग के ऊपर एक बड़ा आरोप है कि कहीं ना कहीं विभाग ठेकेदारों की लापरवाही को बचाने का प्रयास करता है और इससे ये साबित होता है कि हमारे जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं ठेकेदारों के चुंगल में हैं। कैमरामैन चंदेश कुमार के साथ में मैं रमेश शर्मा, जीवन उत्साह न्यूज से। थैंक यू वेरी मच।